हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स नेम ऑन माय नेम। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त नमन उमरा अपने इस नए यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यूट्यूब के इस नए चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड सारा कोर्स कवर करवाया जाएगा। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को कैलकुलेशन बूस्टर यानी कि दोस्तों आपके कैलकुलेशन को फास्ट कराने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं दोस्तों, उन्हें भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जिसके अंतर्गत दोस्तों, जैसे कि आज के ही सेशन में हम आप लोगों को 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। और दोस्तों, साथ ही आपको हम मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो ट्रिक है, डीएस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी दोस्तों मेथड है, सारा चीज़ कवर करवाया जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस सेशन को हम आप लोगों के साथ डिस्कस करें, उससे पहले आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों, इसको अपने दोस्तों के साथ व दोस्तों जिस भी स्टडी ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए उसमें भी इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साइड पर बने हुए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली नए वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक तुरंत पहुंच सकें। तो दोस्तों, हम आप लोगों को 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए एक यूनिवर्सल मेथड बताने जा रहे हैं, जिसका यूज दोस्तों आप लोग हर एक नंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको कई रूल्स को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, इस यूनिवर्सल मेथड को यूज करने के लिए आपको सिर्फ 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद करना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों, आप लोग आसानी के साथ 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर दोस्तों विदिन 5 सेकंड के अंदर फाइंड आउट कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आप लोगों ने 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं को नोट आउट कर लिया होगा, या फिर दोस्तों आप अपने मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में कॉपी में नोट आउट करके इसको लर्न अवश्य कर लें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप लोगों को इस यूनिवर्सल मेथड को सिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों, 2 डिजिट नंबर्स को सबसे पहले हमने आपके स्क्रीन पर ले रखा है, इसके बाद इसी क्रम में दोस्तों बढ़ती हुई संख्याओं का हम आपको स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दे रखा 34 का स्क्वायर। जब भी दोस्तों इस टाइप का नंबर आपके सामने आ जाए तो आपको करना है कि इस 34 को दोस्तों बीच से कट करना है। तो एक दोस्तों डिजिट 3 आ गया, दूसरा 4 आ गया। जब भी दोस्तों मतलब कि 1 डिजिट में नंबर दे रखा है तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। जो स्क्वायर आएगा दोस्तों, 1 डिजिट का स्क्वायर दोस्तों 2 डिजिट में हमें लिखना है। 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है, जबकि एक सिंगल डिजिट में इसको दोस्तों हम डबल डिजिट में बनाएंगे। कैसे दोस्तों, 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 होता है। इसको डबल डिजिट में बनाने खातिर हम दोस्तों यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 अपने आप बढ़ा देंगे। अगली संख्या दोस्तों 4 दे रखी, इसका हम स्क्वायर करेंगे, 16 आएगा यानी 16। 16 अपने आप में दोस्तों 2 नंबर का डिजिट है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम लिख देंगे 16। अब हमारा अगला काम क्या है दोस्तों, इनका आपस में मल्टीप्लाई कराना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर इसका दोस्तों जितनी पावर दे रखी है उसके साथ ही मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि दोस्तों 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 24। इस 24 को दोस्तों जो स्क्वायर के बाद आया, एक स्थान को छोड़ के यानी इकाई के अंक को छोड़ के हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम देख देंगे 24 और इसको कर देंगे ऐड। जब दोस्तों इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 4 1 5 9 2 11, और यही दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको दोस्तों पूरी तरह से इस यूनिवर्सल मेथड की क्लियरिटी आ जाए। अगला नंबर दोस्तों दे रखा 47 का स्क्वायर, बीच से दोस्तों इसको कट करेंगे तो एक नंबर 4 दूसरा नंबर 7 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 आएगा, जो कि 2 डिजिट में नंबर दे रखा था हम यहाँ पर 16 लिख देंगे। अगला नंबर दे रखा दोस्तों 7 का स्क्वायर 49, ये भी दोस्तों 2 डिजिट में दे रखा है। अब हमारा अगला काम क्या है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना। 4 7 28, उसके बाद पावर में 56, यानी कि दोस्तों 4 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारा आ जाएगा 56। इसको दोस्तों 1 डिजिट छोड़ के हमें लिखना है, तो यहाँ पर 56 लिख देंगे और इसको ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे दोस्तों तो ये 9 6 4 10 6 5 11 1 का कैरी 12 1 1 2, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जिससे दोस्तों हमारी क्लियरिटी हो जाए इस मेथड पर। नंबर दे रखा 68 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है, तो 20 से कट करेंगे दोस्तों तो एक नंबर हमारा 6 दे रखा, इसका स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना, 36 आ जाएगा। अगला नंबर 8 दे रखा है, 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इनका दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोस्तों 6 8 जा 48 48, दोस्तों 2 बार करेंगे तो 96 आ जाएगा। इसको दोस्तों एक नंबर छोड़ करके लिख देंगे, ऐड कर देंगे दोस्तों 6 6 12 9 6 15 1 का कैरी 16 3 1 4, दोस्तों और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों जाके, 87 का स्क्वायर। अब इसको दोस्तों फास्ट वे में हम करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर करना, 8 का स्क्वायर दोस्तों 64, 7 का स्क्वायर दोस्तों 49, 2 डिजिट पे दे रखा, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों 8 7 56 हो जाएगा, 56 का 2 से दोस्तों कितना जाएगा, 112। ऐड कर देंगे दोस्तों 1+ छोड़ने के बाद 9 4 2 जा 6 4 1 5 6 1 7, और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और संख्या का देख लेते हैं, टू डिजिट पे दोस्तों दे रखा 99 का स्क्वायर, 20 से कट करेंगे दोस्तों दोनों दसों नंबर बराबर दे रखे, 9 का स्क्वायर 81, अगेन 9 का स्क्वायर 81, टू डिजिट में नंबर आ गया, आपस में दोस्तों मल्टीप्लाई कर 99 जाए दोस्तों कितना होता है 81, 2 जाए दोस्तों कितना हो जाएगा 162, ओके, वन डिजिट छोड़ के लिखना था, अब इनका ऐड कर देंगे 8210617188119 दोस्तों, अब यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगली संख्या दोस्तों हमें 3 डिजिट की संख्या दे रखी दोस्तों, ठीक है, इसको भी दोस्तों हमने आपको 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद करना सिखा रखा है, ठीक है, तो इसको दोस्तों हम 2 पार्ट्स में बांटेंगे जाकर, तो ये क्या आ जाएगा 12 और 3 में दोस्तों इसको बांट देंगे, तो इनका दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर दोस्तों कितना आ जाएगा 144 और 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना आ जाएगा 9, जबकि इसको हमें 2 डिजिट में लिखना था, यहाँ पर 09 कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों कितना बांटते हैं 36 × 2 = 72 दोस्तों, वन डिजिट छोड़ के लिख देंगे, ऐड कर देंगे जाकर यहाँ पर दोस्तों, तो 9274114 दोस्तों, ठीक है, अब आप लोगों के दोस्तों दिमाग में आ रहा होगा कि हम क्यों ना इसको पहले 1 अलग कर दें और 23 अलग कर देंगे, दोस्तों इसको भी हम लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं जाके, दोस्तों हमने 1 लिया, 1 डिजिट है दोस्तों, 2 डिजिट में लिखना 01 आ जाएगा, 23 का स्क्वायर दोस्तों 529 होता है, कितना दोस्तों 529 होता है, जब दोस्तों यहाँ पर 1 डिजिट दे रखा था हमने कहा था इसका स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना है, जब दोस्तों यहाँ पर 2 डिजिट दे रखा था इसका जो स्क्वायर आएगा दोस्तों उसको हमें कितनी 4 डिजिट में लिखना है, तो 4 डिजिट में लिखने खातिर यहाँ पर हमको एक 0 बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, अगला काम बताया था हमने कि इनका आपस में मल्टीप्लाई कराना है, तो 23 × 1 = 23 × 2 = 46, यहाँ पर दोस्तों 2 डिजिट, यहाँ पर 1 दे रखा था हमने 1 प्लेस छुड़वाया था, यहाँ पर 2 डिजिट दे रखा है बाद में, तो यहाँ पर हमें 2 डिजिट छोड़ना पड़ेगा और 46 हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ऐड कर देंगे दोस्तों 9265114 इतना, तो देख लेंगे तो दोस्तों दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं, बस प्रोसेस थोड़ा सा अलग नहीं है, बस जो बात है मेन चीज़ उसको हमें समझने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर शो रहा है वो सिंपली कि 3 डिजिट के नंबर जो है उनका स्क्वायर करना बताया जाना है दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो छोटी संख्याओं तो यही प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन जब दोस्तों हम और बड़ी संख्याओं के आगे बढ़ते हैं यानी कि 240 के एबव जब जाते हैं दोस्तों, 249 तक, तो दोस्तों आप लोग निकाल सकते हैं इसी मेथड के द्वारा, लेकिन उसके बड़ी संख्याओं को दोस्तों हमने आपको याद करने के लिए नहीं कहा है, तो उसके लिए दोस्तों हमें एक अलग मेथड का यूज़ करना पड़ता जाके दोस्तों, ठीक है, तो उस मेथड को हम आपको यहाँ पर सिखा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों दे रखा 168 का स्क्वायर, तो दोस्तों हमें जो मेथड यूज़ करें उसमें हमें यह देखना होता है कि जो नंबर दे रखे हैं वो 10 या 100 के मल्टीपल वाले किस नंबर के नियर अबाउट हैं, यहाँ पर दोस्तों अगर हम 100 में देखेंगे ये 100 से 68 ज़्यादा या 200 से दोस्तों देखेंगे 32 कम है, तो हमने आपको 32 का स्क्वायर तो दोस्तों याद करने के लिए कहा नहीं है, तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि ये 150 से कितना ज़्यादा है कम है, तो हम देखते हैं दोस्तों ये 150 से 18 ज़्यादा है, तो क्या करेंगे दोस्तों इसमें हम 18 ऐड कर देंगे और 18 इसमें दोस्तों सबट्रैक्ट यानी माइनस कर देंगे, जब दोस्तों इसमें 18 ऐड करेंगे जाकर पहले सबट्रैक्ट कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर 150 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई में कोई भी संख्या आगे पीछे लिखने कोई मतलब नहीं रहता, अब जब दोस्तों इसमें 18 हम ऐड करेंगे जाकर तो ये दोस्तों हो जाएगा कितना 186, अब यहाँ पर दोस्तों जो 0 आया इसको कैंसिल आउट करना है, इसको दोस्तों कैंसिल आउट करने खातिर जितने 0 उतने से हमें डिवाइड कर देना दोस्तों, ठीक है, ऑब्लिक यहाँ पर जो 18 दे रखा है इसका यहाँ पर हमें स्क्वायर लिख देना दोस्तों कि कितना आ गया 324, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, अब 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 15 × 6 = 90 कैरी 9 जगह 15 × 120 9 129 दोस्तों 12 और 15 × 12 = 27 दोस्तों ऑब्लिक का 324 दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों कितनी संख्या को यहाँ पर मेंटेन करना है और कितनी संख्या को कैरी फॉर्म में ले जाना, तो वो दोस्तों जो नीचे हमारे 0 दे रखा है ये बताएगा, यहाँ पर दोस्तों 1 0 दे रखा है तो 1 संख्या यहाँ पर मेंटेन रहेगी, बची हुई दोनों संख्या दोस्तों कैरी फॉर्म में आगे चली जाएंगी, जब आगे चले जाएंगे दोस्तों ये कैरी फॉर्म में जो मेंटेन तक है 4 का 02 02 आ जाएगा, 9 3 12 आ जाएगा, 7 1 8 8 2 यही हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा, नहीं बात समझ में आई तो और दोस्तों हम प्रैक्टिस करते हैं अगले एग्जाम्पल की तो और क्लैरिटी आ जाएगी। संख्या दोस्तों दे रखी 213 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम दोस्तों देखते हैं कि 213 200 से 13 ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 13 ये दोस्तों ऐड करेंगे और 13 इसमें हम लेस कर देंगे, जब दोस्तों 13 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई है 13 ऐड कर देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 226, अब यहाँ पर 20 तो दोस्तों 20 से यानी 100 से डिवाइड कर देंगे, 13 का दोस्तों स्क्वायर कितना आ जाएगा 169, 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल दोस्तों नीचे 20 तो यहाँ पर 2 संख्याएं हमारी क्या रहेंगे मेंटेन रहेंगे, अब बचा कितना 1 कैरी फॉर्म में आगे चला जाएगा, तो 2 का दोस्तों मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 452 / 169 तो मेंटेन रहेगा 1 कैरी फॉरवर्ड तो 213 45 369 यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कुछ क्लियरिटी बढ़ी होगी, और एग्जाम्पल करते हैं दोस्तों बड़ी संख्याओं को तो और क्लियरिटी बढ़ जाएगी। संख्या दे रखी दोस्तों 267 का स्क्वायर दोस्तों, ओके, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं जो 267 दे रखी है ये 250 से दोस्तों कितना 17 ज़्यादा है, तो इसमें 17 हम ऐड कर देंगे और 17 ने दोस्तों माइनस कर देंगे,
माइनस करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 250, और जब दोस्तों 17 ऐड करेंगे जाकर दोस्तों कितना आ जाएगा 284 दोस्तों। ओके दोस्तों एक जीरो दे रखा है, इसको कैंसिल आउट करने खातिर हम एक जीरो बढ़ा देंगे। 17 का दोस्तों स्क्वायर कितना होता है 289, जीरो से जीरो कैंसिल। 25 का मल्टीप्लाई 284 में कराएंगे, 25 चौको 100 कैरी के फॉर्म में 210, 25 अट्ठे 210, 200 210, 21 कैरी बचा, 25 दूना 50, 21 71 आ जाएगा, आब्लिक 289 आ जाएगा दोस्तों। एक जीरो दे रखा, एक मेंटेन रहेगा, बाकी संख्या दोस्तों कैरी फॉर्म में आगे बढ़ जाएगी। तो ये दोस्तों 71289 आ जाएगा और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ बड़ी संख्या ले ली है आपकी स्क्रीन में शो हो रही है 632। ये दोस्तों हम देखते हैं कि 650 से दोस्तों कितना 18 कम है, तो 18 कम करेंगे तो इसी 18 को दोस्तों इसमें हम ऐड कर देंगे। जब ऐड करेंगे जाकर दोस्तों ये हो जाएगा कितना 650, जब 18 लेस करेंगे जाकर दोस्तों ये हो जाएगा 614 दोस्तों। ओके इस जीरो को दोस्तों हमें रिमूव करना है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे जाके 18 के स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 324। ओके जीरो से जीरो कैंसिल दोस्तों, एक जीरो तो एक संख्या मेंटेन रहेगी, बाकी कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों करना क्या, हमें सबसे पहले 614 में 65 से करना है कितना दोस्तों मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई कराएंगे दोस्तों दिया जाएगा 30 70 84 36, ये हो जाएगा दोस्तों कितना 0 7 4 11 8 1 9 6 3 9, ये 3 आ जाएगा। ऑब्लिक में दोस्तों यहाँ पर 324 चल रहा था, 4 मेंटेन रहेगा, 32 दोस्तों कैरी फॉर्म में आ जाएगा जाकर। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे क्या जाकर के ये 4 आ जाएगा, 2 जिसको 0 दे रखा तो 2 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा, और दोस्तों 399424 दोस्तों यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले नंबर्स की तरफ। नंबर दे रखा दोस्तों 888 का स्क्वायर, तो दोस्तों हम देखते हैं कि 900 से कितना 12 कम है, तो इसमें दोस्तों 12 कम कर देंगे और इसी 12 को ऐड कर देंगे। जब दोस्तों करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 900, और जब दोस्तों 12 सबट्रैक्ट करेंगे तो 876 आ जाएगा, अपॉन 2 जीरो दे रखा 100 से डिवाइड करेंगे, ऑब्लिक 12 के स्क्वायर 144। अब यहाँ पर दोस्तों जीरो से जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यही दोस्तों जीरो बताता है कि यहाँ पर दो नंबर यहाँ पर मेंटेन रहेगा, एक कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। 9 को दोस्तों मल्टीप्लाई बाई 876 में कर देंगे, तो ये दोस्तों हो जाएगा 9 6 54 5 कैरी, 9 7 63 5 68 6 कैरी में, 9 8 72 6 78 दोस्तों। ओके 144, तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों कितना 7 8 8 4 1 5 44, और यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दे रखा 998 का स्क्वायर, तो हम देखते हैं दोस्तों कि 1000 से 2 कम है, और इसी 2 को दोस्तों इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 कम करेंगे तो 996। अब 3 जीरो है जिसको हटाने के लिए हमें 3 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 दोस्तों, यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 नंबर हमें मेंटेन करने होंगे दोस्तों, 2 जीरो बढ़ा देंगे अपने आप, 3 जीरो दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये सिंपली दोस्तों कितना हो जाएगा 996004, और यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो भी 2 यूनिवर्सल मेथड हमने आपके साथ डिस्कस किया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी हो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको दोस्तों आगे जो प्रीवियस ईयर आईवी एसएससी और रेलवे क्वेश्चन है उसमें जरूर उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो होमवर्क के तहत दोस्तों हम आप लोगों को 3 नंबर के स्क्वायर दे रहे हैं, जिनका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहली संख्या 737 का स्क्वायर, दूसरी 878 का स्क्वायर, और तीसरा दोस्तों 948 का स्क्वायर, इनका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारा आज का ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं एक और ट्रिक के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक।